चुनाव विधानसभा भिंड जिला और 5 साल पहले की एक तस्वीर। उस तस्वीर में दो चेहरे आमने सामने थे, इस वक्त मेरे अगल बगल हैं, थोड़ी देर पहले साथ में मुस्कुराते देखा है। 5 साल पहले की तस्वीर को अगर कोई याद करता है तो ये मान नहीं सकता था कि ये दो चेहरे अभी भी आमने सामने होंगे, लेकिन ये अभी आमने सामने कम है और एक साथ साथ ज्यादा है। एक साथ बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं राकेश शुक्ला जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पिछली बार भी प्रत्याशी थे और थोड़ी देर पहले आपने मन से कहा 2018 से जमीन से आपका नाता है। बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप जाने वाले हैं? 18 साल के विकास और तमाम बातें आपने यहाँ पर कही हैं मंच पे, उसको हमने सुना, लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करूं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक आपकी विधानसभा है, क्या बड़ा मुद्दा है जिससे आपको जीत का विश्वास दिख रहा है? देखिए, आप जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले सालों में जो हमने जो मंच से बताया, जो विकास किया है, उसी विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि हमको पूरा ये दिमाग में लगातार 15 साल से इस क्षेत्र में जो बड़ा हुआ क्षेत्र है ये हमारा, मैगांव पहले अलग था और बड़े हुए क्षेत्र में लगातार 15 साल से एक दिमाग में नक्शा है। उस नक्शे के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो जो कमियाँ हैं उन कमियों को पूरा करने का काम करूँगा। आप कमियों को काम करना पूरा करेंगे, एक बात बताइए, लोग ये कहते हैं और कई लोगों से हमारी बात हुई कि हाँ ठीक है, कमियों को दूर करने का आप काम करेंगे, लोग ये कहते हैं कि महगांव कांग्रेस ने नहीं ओपीएस भदौरिया ने जीता था, तो ढेर सारे वादे आपने भी किए, ढेर सारी चीजें थी, क्योंकि ये बगल में बैठे हो सकता है आपने इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं कि, लेकिन आपको भी अगर जिम्मेदारी मिलती महगांव की जनता के बीच में आने की, वैसा कोई मलाल तो नहीं है मन में? बिल्कुल कोई मलाल नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है और जो पार्टी का निर्णय है उस निर्णय के लिए हम पार्टी के लिए काम करते हैं। आप पार्टी के लिए काम करेंगे, आपको क्या लगता है कि राकेश जी 5 साल पहले कहीं और, अभी आप लोग अगल बगल, राकेश जी उस जिम्मेदारियों को जो आपने गिनाई एक लिस्ट की, कई सारी चीजें तो आपने भोपाल में चक्कर मार मार के जो यहाँ दिलवाई हैं, वो पूरी कर पाएंगे? निश्चित रूप से मुझे विश्वास है वो पूरा कर पाएंगे और जहाँ आवश्यक होगा हम उनको सहयोग भी करेंगे। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आप बड़े संक्षिप्त जवाब दे रहे हैं, महगांव से जुड़ाव अपना आप कैसे बनाए रखेंगे, उसकी क्या योजना है? मेरा इस क्षेत्र से कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, एक दिल का और परिवार का रिश्ता है और वो रिश्ता मैं सदैव कायम रखूंगा। जनता का जो स्नेह मिला है और जनता के साथ जो मेरा जीवंत रिश्ता है वो रिश्ता सदैव कायम रहेगा। आपका रिश्ता कायम रहेगा। राकेश जी, मन से आपने इशारा भी किया था वो माफी मांगने वाली बात का, जो कांग्रेसी आपके जो विरोधी हैं या जो तमाम विरोधी हैं वो कई सारे बातें कर रहे हैं कि देखो कौन लड़ा था पिछली बार, फिर कौन चेहरा था, फिर कौन लड़ने को आ गया, तो क्या उन सारे आरोपों का जवाब क्या है? उन सारे आरोपों का जवाब देगी जनता और जनता देगी, उससे उसके परिणाम निकलेंगे वो सबको देखने को मिलेंगे। एक चीज, क्योंकि जो मंच पर कही गई वो हो सकता है लोगों तक ना पहुंचे, माफी मांगने वाला प्रकरण जो आपने कहा कि वो क्या था वो जरा बताएंगे? नहीं, हमसे कुछ लोगों ने 2-4 दिन से जो कहा है कि ऐसे कुछ लोग ऐसे चर्चा कर रहे थे कि कुछ माफी आपी की चर्चा ऐसी कोई विषय नहीं है, वो उसको समझने का काम जनता कर रही है और हम कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, बस उतनी बात काफी है। ठीक है, हम समझ रहे हैं। एक चीज, ओपीएस साहब ने कहा कि उन्होंने कई सारे काम शुरू किए थे, वो पूरे होंगे क्योंकि आप दोनों आमने सामने बैठे हैं, मैं सोच रहा हूँ वो वाले सामने नहीं है बगल में है। हाँ, मतलब मैं चलिए बीच में आया, आप दोनों बगल बगल बैठे हैं, यही मुझे जानना था, ये साथ मजबूत हो चुका है? हाँ, बहुत साथ मजबूत है, हमेशा रहेगा और ये कोई राजनीति के कारण साथ मजबूत नहीं है, जिस साथ हृदय से जुड़ा है और हृदय से जुड़ा रहेगा। ओपी साहब, आप तो मतलब बात सिर्फ महंगाओं की मैं नहीं करना चाहता आपसे, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी है और बतौर मंत्री जो आपकी भूमिका है, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आप घूमे हैं, आपका क्या अनुमान है इन चुनावों में? पिछली बार आपको भी पता है, अगर 2018 की हम बात करें, जो एक साथ पूरे प्रदेश में चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पीछे रही थी। इस बार हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और अच्छे बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने वाले हैं। कोई संख्या अगर आप बताना चाहें, क्योंकि आप, मैं वापस कह रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में संख्या स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन स्पष्ट बहुमत मिलेगा और पूरे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि कुछ चीजों में ना आपको बड़ा मतलब ये माना जाता है कि वो योग्यताएं आप में है, क्या कोई और लोगों को और साथियों को बुलाने की जरूरत इस बार पड़ेगी क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में? मुझे नहीं लगता इस बार जरूरत पड़ेगी, इस बार हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ठीक है, आखिरी सवाल, महगांव और आसपास के इलाके में भिंड में मैंने दिन भर लोगों से बात की है, लोगों का कहना है कि ठीक है सड़क आई है, लोग मान रहे हैं, लोग ये भी मान रहे हैं कि ठीक है अस्पताल दिख रहा है, लेकिन अब लोगों की अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं, वो ये कह रहे हैं अस्पताल है तो हर वक्त डॉक्टर हो। उनका ये कहना है कि कई ऐसी चीजें जो शुरू हुई हैं, और खासतौर पर युवाओं से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम ना पढ़ने के लिए ग्वालियर जाते हैं, इंदौर जाते हैं, कोटा जाते हैं, क्या ये नहीं हो सकता कि भिंड में हमारे इलाके के आसपास वो चीजें मिले? और नेता बात करते हैं लेकिन हमको वो धरातल पर कुछ मिलता नहीं दिख रहा। देखिए, आप अभी आपने डॉक्टर की बात की तो मेडिकल कॉलेज भिंड में आया है, आप और जो
जो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी को पूरा करेगा, और एक मेडिकल कॉलेज नहीं आया, जगह जगह मेडिकल कॉलेज आए, उससे डॉक्टरों की कमी पूरी होगी, इसको स्वीकार करता हूँ। दूसरे क्या है कि जहाँ तक युवाओं ने जो बात कही है कि रोजगार के संबंध में जिसको अपन कहें, या फिर कोई नया काम, जैसे अभी ओपीएस जी ने बताया स्टेडियम है, ये भी युवाओं के लिए है। कॉलेजेज हैं, जो ये कॉलेजेज मेगाओं में हैं, डिग्री कॉलेज है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको पॉलिटेक्निक भी हमारे यहाँ है, लेकिन और भी जो उसकी आवश्यकता लगेगी तो उसको भी पूर्ति करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कराएंगे। एक बड़ा अच्छा सवाल पूछता हूँ, जितनी बड़ी जीत आपकी हुई थी, राकेश जी की जीत उससे बड़ी होगी, या आप बोलेंगे नहीं वो वाला स्नेह मुझे ही ज्यादा मिला था वही बना रहेगा? नहीं, मुझसे बड़ी होगी, आपसे बड़ी होगी। आपको क्या लगता है? उनने सही कहा है। बहुत शुभकामनाएं। राकेश शुक्ला और ओपीएस भदौरिया दोनों हमारे सामने मौजूद थे, और ये दोनों ही वो तस्वीर थी, वापस बैठ जाते हैं बसंत कर लेते हैं, ये वो तस्वीर थी जो अब मुस्कुराहटों में बदली है। 5 साल पहले कुछ और था, लेकिन ये मुस्कुराहट परिणाम के बाद कितनी बड़ी होती है ये देखना होगा। और ये तमाम परिणाम, तमाम अपडेट सबसे पहले आपको बताएंगे अमर उजाला पर। अपना वक्त देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।